इतना बड़ा पराठा शायद मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा। ये भटूरा नहीं, भटूरे का बाप है, जानते हैं इनसे ये क्या है। इतना शानदार पराठा सच में बनाने वाले कारीगर की खासियत है। देवा शरीफ मेले में मैं खड़ा हूँ, हजरत बारिस अली शाह साहब के मजार पे लगने वाला ये सालाना मेला इन दिनों जायरीनों की चहल पहल से गुलजार है। चारों तरफ दुकानें हैं और दुकानों की शोभा देखते ही बनती है। हर साल यहाँ कुछ न कुछ खास आता है। मेले की इस बाजार की भीड़ में ये खान पीन का ये स्टॉल बड़ा मायने रखता है। इसे क्या कहते हैं सर? हलवा पराठा। हलवा? हलवा पराठा। अच्छा, इसे कहते हैं हलवा पराठा। तो ये पराठा हलवे के साथ खाया जाता है। वो हलवा इतना शानदार है कि पराठा भी देखते देखते मजा आ जाएगा। और हम आपको दिखाते हैं हलवा कैसा होता है। हलवा ये है, इसके साथ मिलता है तौल कर। और ये दुकान कुछ खास है, यहाँ पर खासतौर पर बड़ी भीड़ रहती है, लोग इसे खाते हैं। मशहूर दुकान है ये। आप तो कितने साल से आ रही हैं यहाँ? यहाँ मशहूर है, देवा भर से यहाँ मशहूर है। यानी ये दुकान देवा भर के मेले में सबसे ज्यादा मशहूर है। इसको यहाँ पर जो बैठे हुए साहब, आपका नाम क्या है सर? बरेली से। बरेली से ये आए हैं और खासतौर पर इनकी दुकान पे बड़ी भीड़ रहती है क्योंकि इनका काम बहुत अच्छा है, इनका स्वाद बहुत अच्छा है। बरेली के मेले में हलवा पराठा है। ओ हो, ये शानदार हलवा पराठा जिसने नहीं खाया वो देवा शरीफ मेले क्यों आया? उसका आना ही बेकार है। आपने खाया, क्या स्वाद है इसका? माशाल्लाह बहुत बेहतरीन। माशाल्लाह बहुत बेहतरीन है सच में। एक बार इस पराठे को फिर से देखिए, इतना बड़ा पराठा शायद ही आपने देखा होगा। अब तो मुझे भी भूख लगने लग गई है। बहुत बढ़िया है। देवा शरीफ के मेले से त्रिलोचन अस्काल रहा।